मनोकामना पूरी होती है, उन्हें भोले की भक्ति है, भोले के पास जाने की शक्ति है उनके पास। हम रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 में खड़े हैं, आप चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से तमाम यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, काफी उत्साहित है। खासकर पंडित प्रदीप मिश्रा की जो शिव महापुराण खाता होनी है उसको लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई, तमाम महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होकर लौटी है, उनसे बात करेंगे आखिर इतना उत्साह क्यों है। मेरा नाम मनीषा वेदी है। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी हंसनगर से। इतना उत्साह क्यों है आज महिलाओं में? बस बाबा की दया हो रही है आज। उभरेज भंडारी प्रदीप मिश्रा। और भी कथाएं होती हैं, इनमें क्या खास है कि आज पूरे शहर की महिलाएं उमड़ रही हैं? बस भोला बाबा का दीवान हो रहा है सब। नहीं, जो कथा है प्रदीप मिश्रा जी आए तो इनमें क्या खास है कि आज सभी यहाँ पर महिलाएं? बहुत अच्छा लगा। वो तरीका सिखाते हैं, शिव महापुराण से पढ़कर हमें उपाय बताते हैं, इसलिए हम उनको उपाय को करते हैं और हमारे बहुत तरक्की हो रही है, मनोकामना पूर्ण हो रही है हमारी। जब बाबा की कृपा से हम आज यहाँ तक आए और आगे भी बाबा की कृपा रही तो बहुत आगे पहुँचे। आज क्या मनोकामना लेकर आप पहुँचे की 5 दिन कथा चलनी है यहाँ पर लगातार? दिन रात से दुआ हमारी बहुत दिनों से दुआ थी कि बाबा रेवाड़ी में आए और कुबेश भंडारी खुद रेवाड़ी में चल के आए हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। कहाँ से आए हैं? यहीं से आए, रेवाड़ी से। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? तमाम काफी संख्या महिलाएं पहुंची हैं यहाँ पे, आज कलश उठा रहे हैं। किस लिए कलश उठा रहे हैं? क्या कार्यक्रम होना है? प्रदीप मिश्रा की कथा है यहाँ पे, इसलिए कलश उठा रहे हैं। तो किस तरह का उत्साह है महिलाओं में, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर महिलाएं दिखाई दे रही है। हाँ जी, कलश उठा रही है पूरी महिलाएं। और कथा सुनने भी आप लोग? हाँ जी, कथा सुनने रोज आएंगे डेली। 5 दिन का कार्यक्रम बता रहे हैं जी? 5 दिन का जी। प्रदीप मिश्रा के बारे में क्या जानते हैं, कब से उनको फॉलो कर रहे हैं? देखो, हम तो ये फोन पे सुनते हैं इनकी कथा, टीवी में सुनते हैं, बाहर तो गए नहीं सुनने के लिए, पहली बार यही सुनेंगे। तो कैसा अनुभव करें पहली बार आपके? अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा लगता सुनते हैं तब कथा। क्या नाम है आपका? मितिका शर्मा। क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ लोग आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से हम तो सोच रहे थे कि कब प्रदीप मिश्रा हमारे रेवाड़ी में आए। तो आज पहली बार रेवाड़ी पहुँचेंगे, यहाँ पर तमाम महिलाओं में खासा उत्साह देख रहे हैं, क्या कहेंगे कथा सुनाएंगे? बस इनकी कथा जब नहीं आती ना तो अच्छा नहीं लगता है, कथा इनकी सुन के ही मन को आनंद मिलता है। एक ये कहा जा रहा है कि साक्षात महाकाल विराजमान यहाँ पे होने वाले हैं। महाकाल ही होंगे विराजमान। और जो भी कहा ये भी जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से बैठता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। होती है पूरी। तो तमाम तरह की यहाँ पे महिला तमाम लोग परिवार के साथ पहुँचेंगे आप? हाँ जी। हम दया है। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। कौन सी जगह से? सेक्टर 4। क्या कहेंगे आज आप कलश यात्रा में और किस वजह से आए हैं? कलश यात्रा है, कलश उठाने के लिए आए हुए हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है कलश में उठाने में। दूसरी बात की कौन यहाँ पर कथा वाचक आ रहे हैं, इतना उत्साह क्यों है? प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, इसलिए सभी के मन में बहुत ही उत्साह मच रहा है कि जिस चीज के लिए हम सोचे थे यार रेवाड़ी शहर में प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। कौन सी जगह से? बल्लूवाड़ा से। क्या कहेंगे आप देख रहे हैं कि महिलाओं में खासा उत्साह, खुश है इसमें, महिलाएं इतनी खुश हो रही है कि प्रदीप मिश्रा जी हमारे रेवाड़ी में पधारे हैं, इसमें बहुत बड़ी मतलब प्रसन्नता है हमारे लिए कि उन्होंने यहाँ पे हमें दर्शन दिए हैं। और जो महिलाएं इतनी दूर नहीं जा सकती वो यहाँ पर कथा आके सुने और ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके सहयोग दे अपना। प्रदीप मिश्रा में ऐसा क्या खास है कि आज रेवाड़ी शहर की बहुत सच्ची है? उन्होंने बहुत लोगों का प्रचार किया, उपचार किया है, हर से हर बीमारी उन्होंने सबके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करी है जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तमाम कथाएं और भी होती है, इसमें प्रदीप मिश्रा जी में क्या खास है? प्रदीप मिश्रा जी में बहुत बहुत मतलब उनमें ऐसी शक्ति है जैसे साक्षात शिव जी उनके अंदर समाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। बल्लू जगह से? बल्लूवाड़ा से। क्या कहेंगे कि इतना उत्साह क्यों है, किस लिए आप? हर मनोकामना पूरी होती है, उन्हें भोले की भक्ति है, भोले के पास जाने की शक्ति है उनके पास, दिखा रहे हैं उनको, परिचय करा रहे हैं। बाबा एक सहारा है। कहा जा रहा जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाती है। होती है, मन से मांगो, सब मुराद पूरी करेगा भोले। पुष्पा है। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। कौन सी जगह से? रेवाड़ी से। आनंद नगर। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर
कलश यात्रा में आए हैं, क्या कहेंगे और क्या वजह थी? आज हमें आज इतने मगन हो रहे हैं, इतनी मस्ती आ रही है श्री शिवाय नमस्तुम की, बहुत ही ज्यादा। कौन आ रहा है यहाँ पर कथा? प्रदीप मिश्रा पंडित सीहोर वाले। अच्छा, क्या क्या खास है और में कितनी महिलाएं आ गई यहाँ पर? हमारे यहाँ होगी बहुत लाखा दुनिया है। इतना उत्साह है इसने जब से यह भागवत सुननी हमने शुरू की है उस दिन से हमारे दिल में ऐसी मस्ती छा रही है कि सब कुछ छोड़ दिया परिवार सब की, हमारा बापा है। कौन करवा रहा है ये कथा? ये करवा रहा है इंद्रजीत, ये बाप बेटी। अच्छा। ये करवा मुझसे परवाला सुनील यादव। आप भी बोलो। संजू क्या कहेंगे आज आप कलश यात्रा में शामिल होकर आए? कलश यात्रा में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोले बाबा की असीम कृपा है जो हमें कलश यात्रा में आने का मौका मिला। अच्छा, ये बताया जाता है कि जब ये जो प्रदीप मिश्रा जी हैं इनकी कथा सुनने से जो असाध्य रोग होता है कैंसर जैसी बीमारियां भी सब ठीक होता है बाबा की कृपा से। आज रेवाड़ी शहर की तमाम महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस आस्था के साथ आपके क्या किस चीज के लिए, क्या चाहते हैं, क्या पूरा हुआ? भोले बाबा के प्रति हमारी इतनी आस्था है, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया।